इस अंग्रेजी भाषा में मत फंसिए, कुछ इसमें रखा नहीं है, दम नहीं है। कभी कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, इतना गुस्सा आता है मुझे, कभी कभी अंग्रेजी पढ़े लेके लोगों के घर में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माता पिता कहते हैं, देख बेटा अंकल आए हैं, जरा पोएम तो सुना। मैं कहता हूँ भाई मैं अंकल नहीं हूँ, मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो, दोनों में ही आपका फायदा है, मेरा भी फायदा है, मामा बनो तो भी फायदा, चाचा बनो तो भी फायदा, अंकल में तो कुछ रखा नहीं है। फिर उनके माता पिता को कहता हूँ, ये आप इनको पोएम क्यों सुनवाते हैं, कविता सुनवाओ ना, तो उनको पोएम और कविता का अर्थ ही पता नहीं है, पोएम अलग है कविता अलग है। अब वो बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोएम सुनाते हैं मुझको, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूँ तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, नहीं मालूम। किसने सिखाया, मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे, नहीं मालूम। किसने बताया, टीचर ने बताया। टीचर को पूछो उनको भी अर्थ नहीं मालूम, तो रटाया क्यों फिर बच्चे को, अर्थ ही नहीं पता। फिर बच्चों को मैं बता दूं, देखो इसका अर्थ ये है, बारिश बारिश तुम चली जाओ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है।